हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ सैमसंग के एंड्रॉयड जो फ़ोन है उसमें कुछ आर्ट पेस्ट एवर सेटिंग। तो आप लोग इस वीडियो को इसमें देखिए तो इसमें यूजेस के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हाउ टू यूज मोबाइल हॉटस्पॉट अनथ्रेडिंग। तो एंड्रॉइड फोन में ज़्यादातर ये होता है। मोबाइल हॉटस्पॉट पे क्या होता है, आप एक मोबाइल का नेट दूसरे मोबाइल या लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। ये हो गया मोबाइल हॉटस्पॉट। आप ऐसे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे और यहाँ का हॉटस्पॉट ये है, तो जब आप ऑटोमेटिक अपना फोन का यहाँ इस फोन में एक फोन में आप हॉटस्पॉट ऑन करके अपने फोन पे वाईफाई ऑन करेंगे, तो जैसे आप वाईफाई का नाम है आयु तो इस नाम से वहाँ पे शो कर रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड भी यहाँ शो कर रहा है। तो ऐसे करके ऑटोमेटिक उनसे आप कर सकते हो। कई बार होता है कि प्राइवेसी देते नहीं है, तो इसमें यहाँ पे मोर पे जाएंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे हटा सकते हो, ये ओपन भी कर सकते हो, ताकि क्या ना कभी पासवर्ड की रिकॉर्ड ना हो। तो वैसे ही डब्लू पी से के रखना ठीक है। ठीक है, ये हो गया मोबाइल हॉटस्पॉट। इसका दूसरा हो गया यूएसबी थ्रेडिंग। जब आप कंप्यूटर यूज करते हो थोड़ा यूएसबी थ्रेडिंग में क्या है, स्पीड थोड़ा अच्छा रहता है, तो इससे बढ़िया रहता है स्पीड के थ्रू। जब आप इसमें यूएसबी पोर्ट लगाएंगे अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो उस पर क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके यूएसबी थ्रेडिंग डिजेबल हो जाएगा। तो उस पर यह क्लिक करके उसको अभी हाइड हो रखा है, ये थोड़ा डिस्प्ले हो जाएगा उस टाइम जब आप यूएसबी पोर्ट लगाएंगे, क्योंकि आपका कंटिन्यू आपका मोबाइल पे नेट चलना चाहिए। और आपको जैसे वायर लगाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको थ्रेडिंग करना है कि नहीं, तो आप ये टिक कर देंगे तो राइट साइड में वो आ जाएगा, जैसे ब्लूटूथ का भी आ जाता है ना राइट साइड में, ठीक उसी तरह एक ग्रीन लाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में जो मोबाइल पे फोन के अंदर जो नेट यूज हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में चलने लगेगा, और थोड़ा स्पीड भी बढ़िया है, वाईफाई से अच्छा स्पीड रहता है वायर में। ठीक है, ये था मोबाइल हॉटस्पॉट और थ्रेडिंग का सेटिंग। चलिए दूसरा हो गया मोबाइल डाटा और वाईफाई डाटा लिमिट्स कैसे सेट किया जाता है। तो आप इसमें सेटिंग में जाके अपने डाटा यूज होता है इस पर क्लिक करिए, इसमें मोबाइल डाटा, अभी मोबाइल पे यूज हो रहा है मोबाइल डाटा, तो इसमें वाईफाई भी डाटा यूज जब यूज होता है तो इतना यूज होता है। तो यह मोबाइल पे सेट डाटा लिमिट भी कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कर दिए। आपके फ़ोन में मानो पर डे के हिसाब से 1 GB यूज होता है, तो आप 1 GB यूज से पहले एक टर्न ऑन कर दिए, तो जैसे भी आपका लिमिट हो जाएगा 1 GB तो उस टाइम ऑटोमेटिक आपको वो मैसेज दे देगा, नोटिफिकेशन दे देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और बैकग्राउंड में जो भी ये सब चल रहा होता है बैकग्राउंड डाटा में, आप ये देख सकते हो कि बैकग्राउंड में चलता है। आप यहाँ बैकग्राउंड डाटा भी हटा बंद कर सकते हैं, ताकि क्या आपके फ़ोन का जो स्पीड बढ़ेगा और रैम है आपका रैम भी खपत नहीं होगा, और साथ ही आपका इंटरनेट भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। बैकग्राउंड डाटा ज़रूर बंद करिए जब भी यूज करते हो, जब कोई ज़्यादा नेसेसरी है जैसे व्हाट्सएप हो गया उसको आप छोड़ सकते हो, और ईमो, क्योंकि ये मैसेज है इन ऑनलाइन से आता रहता है, अगर आप अपडेट होता रहता है, अगर आप इसको बैकग्राउंड बंद कर देंगे तो आप जब भी खोलेंगे तभी जाके वो एक्टिव होगा। उसके बाद आप चलेंगे, आपको दिखाना है हाउ टू रोमिंग डाटा इनेबल। डाटा जो आप यूज करते हो, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, अभी नॉर्मली क्या है, अब जो भी सारे नेटवर्क आ रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में भी उसने रोमिंग का कर दिया है फ्री, तो आप इसलिए फ्री तो कर दिया, लेकिन जब आप डाटा नेट यूज करने जाते हो तो वो एक नेट सही ढंग से यूज नहीं होता, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले आप जाएंगे मोबाइल नेटवर्क में। अभी यहाँ पे देख रहे हैं अभी डाटा
ये वाला जो है ना डाटा रोमिंग, इसको आप ऑन कर देना है, आप रोमिंग में हो या ना हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो नेटवर्क है वो बढ़िया कंडीशन में यूज हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कि एक्सेस पॉइंट, जैसे मोबाइल का डाटा कैसे यूज होता है नेट, तो एक्सेस पॉइंट कैसे यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो मोबाइल डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो एक्सेस पॉइंट नेम है, यहाँ ऑलरेडी 4G नेटवर्क है, इस पर देखिए ये मैंने सेट किया है, सेट कर रखा है, नेम जियो 4G है, आप 4G जो भी है, आप उसका जो भी नेटवर्क है उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है APK में, तो उसमें दे देना है। APN में आपको जियो नेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन बात रहा कि इधर कुछ सेटिंग करना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन में नॉन में क्लिक करना है, और डिफॉल्ट टाइप में सिर्फ डिफॉल्ट रखना है, अगर उसके साथ को लिखा होगा तो आप घटा के सिर्फ डिफॉल्ट ही रखना है। और APN प्रोटोकॉल IP एड्रेस वर्सेस 4 एंड वर्सेस 6 रखना है, क्योंकि ये ट्रायंगल होता है, और साथ में रोमिंग प्रोटोकॉल भी वही देना है, ठीक है। इसके साथ बैरियर आपको देना LTE, क्योंकि आजकल 4G का फोन है सारे LTE ही देता है, अगर आपको 4G सपोर्ट नहीं करता है तो आप EHRDP पे दे दीजिएगा, ये 4G फोन है तो 4G का करता है। इस ये हो गया हाउ टू सेट एक्सेस पॉइंट नेम, तो ये इस टाइप का करके आप मोर पे जाके सेव कर दीजिएगा, तो आपका डाटा एक दो मिनट के बाद फिर एनेबल हो जाएगा और वो डाटा स्पीड बढ़ जाएगा। अगर इनकेस कभी आपका डाटा स्लो होता है, आप कंफ्यूज होते यार डाटा अभी स्लो क्यों हो गया, तो आप क्या करिए, आप सीधा नोटिफिकेशन बार पे जाइए, वहाँ पे जाते ही एक एरोप्लेन मोड होता है, उसको एरोप्लेन मोड करके कुछ टाइम रख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर फिर दोबारा रिवर्स कर दीजिए, आप देखिएगा उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चलो उसके बाद दिखाएंगे फाइवर डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में अब सेटिंग में जाके नीचे चले जाओ, डिस्प्ले आओ, डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ब्राइटनेस, ब्राइट बढ़ाना और घटाना अपने हिसाब से रख लो। उसके साथ अगर आउटडोर में हो, जैसे कहीं बाहर हो बाइक चला रहे हो, या कहीं लाइटिंग जैसे सूर्य किरण के बाहर हो, तो उसमें क्या आउट मोड पे करके चले जाओ तो आपका ब्राइट हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा बैटरी जल्दी खपत होगा, तो इस कारण आपको ब्राइटनेस मैनुअली रखिए आपके अकोमोडेशन हिसाब से, लाइट के अकॉर्डिंग हिसाब से। और यहाँ पे आ जाते हैं आपके लिए फॉन्ट है, फॉन्ट ऑप्शन आता है सैमसंग का सबसे, ये बढ़िया है, इसको इसमें दे देता है प्री लोडेड 5-7-7-4-5 दे देता है, ये कुकीज कोलजाज रोजी और इसमें सैमसंग सैंसी जो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट का दूसरा है, हमने सैमसंग सैंग का ले रखा है, और भी बहुत सारा है, हजारों फॉन्ट्स आप कैटेगरी के आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉन्ट से, ठीक है। और ये आप अपने लुक वाइज के हिसाब से आप सेट कर लो किस टाइप का आपको सेटिंग चाहिए। तो ये हो गया फॉन्ट का, स्क्रीन का हो गया वही, स्क्रीन का बैकएंड टाइम आउट दे रहा है कि आप मोबाइल कितना टाइम यूज करके रख देते हैं, फिर इसको बार बार साइड ये वाला बटन को दबाना पड़ता है, साइड का लॉक बटन, इससे क्या हुआ 1 मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट करके छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उसके बाद ये हो गया, ये ट्रेडिंग का कोई इशू नहीं होता, जरूरत नहीं होता, ये क्या होता ना बैकग्राउंड में चलता रहता है, जैसे आप नोट साइलेंट मोड रहेगा तो ऑटोमेटिक इससे बैटरी ज़्यादा खपत होता है। अब देखना है एक और एक है, इसमें एक सेटिंग है कि नोटिफिकेशन रिमाइंडर, अगर आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो आपने मिस कर दिया, उसका नोटिफिकेशन देखना है, कि सारे एप्लीकेशन तो यूज नहीं कर पाते एक ही बार में, तो थोड़ा आप नोटिफिकेशन बार में यहाँ देखना चाहते हो, बाद में रिमाइंड याद आ रहे, तो इससे क्या करेंगे आप एक्सेसरी में जाएंगे, इससे जाने के बाद एक आता है ये देखो, इसके नीचे आएगा डायरेक्ट एक्सेस एंड नोटिफिकेशन रिमाइंडर, इसमें मैंने ऑफ कर रखा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सारा एप्लीकेशन है, वो एडवर्टाइज वगैरह भी आता रहता है, वो ऑटोमेटिक पिंक कर देते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे ऑन करना है, बटन बंद कर दो, रिमाइंडर भी लिख देता है आपको 15 मिनट में चाहिए, एक से लेके ये सारे 3-4-5 कैटेगरी है, आप रख लीजिए इस पर को। और इसमें आपको रिमाइंडर इसलिए डाल रहा है कि कोई मैसेज आता है, मानो मेल आया है, SMS आया, मैं देख नहीं पाया, तो इस कारण, या फ़ोन किसी ने मिस कॉल मारा है, मैं किसी काम में बिजी हूँ तो नहीं कर पाया, तो इसको एनेबल, जैसे ही एनेबल हो जाता है करके छोड़ दो,
तो आपने अगर 15 मिनट पहले कोई आया होगा SMS या फोन, हमने अपने ध्यान नहीं दिया, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपका फोन में एक बेल नोटिफिकेशन बेल बजेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये सब ठीक है, ये यूज करने के लिए बेटर है, जैसे बिजी हो तो इसको यूज कर सकते हो। अगर बैटरी, इसमें बैटरी भी डन होता है, बैटरी तो बचता नहीं है ज्यादातर एंड्रॉइड फोन में, ये सब सेटिंग करने के बाद यूज के लिए तो अच्छा हो जाता है लेकिन बैटरी बैकअप कम रहता है, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। आप देख लीजिए अपने हिसाब से क्या करना है। और इसमें एक आंसर एंड एंडिंग कॉल रहता है, ये फोन आएगा और जाएगा, उस टाइम आप अगर डायरेक्ट प्रेस की नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं बाइक चला रहे हो या किसी और काम में बिजी हो, तो आप प्रेस होम बटन या पावर की को दबा के या इनेबल कर देंगे तो कॉल आ रहा है, पावर की दबा दो, कॉल कट जाएगा। तो इसके बाद एक है, आपको और बताना था, एक है बैटरी अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, इस सैमसंग फोन में खास करके ये दे देता है अल्ट्रा सेविंग मोड, आपका बैटरी भी थोड़ा इसमें कंज्यूम हो जाता, बच जाता है, जितने कंज्यूम होना है तो उसमें 30% बच जाता है। ओके, तो यहाँ से बैक करिए, हम बैटरी पे जाएंगे, बैटरी के अंदर एक सेट ऑफ बताइए, देखिए 9 घंटे 43 मिनट अभी एस्टिमेट टाइम है, 84% है, लेकिन ये इतना टाइम लिखा है। हाँ ठीक है, अगर हम इसी टाइम नेट तो ऑन है लेकिन सफरिंग अगर नहीं करते, कोई साइड ओपन नहीं करते, कुछ यूज नहीं करते, नॉर्मली कॉल आएगा, रिसीव कर लिए, बात करके खत्म कर दिए, तो इतना टाइम चला जाएगा। अगर हमने इस पर लिखा है ना नो, अगर कंटिन्यू अभी 1 घंटे के लिए मोबाइल नेट ही चलाएंगे या मूवी देखेंगे ऑनलाइन पे डायरेक्ट बफरिंग होके, तो इसमें बैटरी खत्म हो जाता है जल्दी। तो यहाँ पे आ गया है अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में अगर हम करेंगे, ये जो 9 घंटा दिखा रहा है इसमें 22 घंटा तक आपका फोन बिना चार्ज किए रह सकता है, लेकिन क्यों रह सकता है, उसमें 5-6 शायद आपका जो जरूरी एप्लीकेशन है सिर्फ वही लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑन किया, या आई हैव रीड दिस एग्रीमेंट, ये तो आप पढ़ लेना, उसके बाद आपका टोटली सारे सेटअप बंद हो जाएगा। सिर्फ आपको अल्ट्रा सेविंग मोड में 6 आइकन देखेंगे, एक फोन हो गया, मैसेज हो गया, इंटरनेट, और बाकी आपका 3 चीज आप ले सकते हो। इसमें इंटरनेट यूज नहीं हो पाएगा, जैसे आप कभी फंस गए हो किसी काम में या कोई जरूरी एरिया में फंस गए हो, वहाँ चार्जिंग का सुविधा नहीं है, तो आप ये एक्टिव करके बढ़िया से यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वहाँ 9 घंटे दिखा रहा था, यहाँ 22 घंटे समथिंग दिखा रहा है। तो इस तरह ये था कुछ, एक मैनुअली सेटअप है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, टर्न ऑफ कर दिया। ये था कुछ मैनुअली सेटअप सैमसंग फोन का, ये सभी फोन में, सैमसंग के फोन के एंड्रॉइड फोन में ये अवेलेबल है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं और आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकूं। तो साथ में घंटे के बटन भी दबा देना, ताकि पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।